तो इस टाइप की वीडियो आपने देख ली होगी जो कि इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एंड आई नो गाइज, आप भी कुछ इस टाइप से रील्स एडिट करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको इसी टाइप से रील्स एडिट करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं जो भी म्यूजिक और वीडियो क्लिप यूज करने वाला हूँ उसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाफट से इस वाली वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस VN ऐप को ओपन कर लेना है एंड इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। आप वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से मैं एक फोटो को सेलेक्ट करता हूँ एंड चैट वाले वीडियो को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। चैट वाले वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे ये अपना ओपन हो चुका है। तो यहाँ से ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियो का साइज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 9:16 रख रहा हूँ मैं, तो आप लोग भी यही रख लेना। और उसके बाद यहाँ पे आपको पीछे आना है एंड इस ब्लैक वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आना है अपने फोटो वाले लेयर पे और इसका लेंथ जो है इसको आपको 6.00 सेकंड कर देना है। तो इतना इसको कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करना है, तो म्यूज़िक मैं जो ऐड कर रहा हूँ उसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो म्यूज़िक को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, तो यहाँ पे डन करते हैं। और यहाँ पे म्यूज़िक मैं ऐड कर चुका हूँ। मैं फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें फ़ोटो वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, फिल्टर्स पे जाना है। और यहाँ पे मैं ये वाला फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे मैं F6 वाला फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी ये कर लेना। इतना हो जाने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक वाला इफेक्ट को सेलेक्ट करके डन कर देना है। इसी तरह आगे वाले में भी हम लोग यही करेंगे। और यहाँ पे भी मैं ब्लैक इफेक्ट डाल देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। तो ये वाला इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक वाला, तो ये सही लगेगा। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। टेक्स्ट आप ऐड कर भी सकते हो या फिर नहीं भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप कुछ भी लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं ये लिख दिया हूँ एंड इसको मैं यहाँ से फ़ोन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से डन। और इसका लेंथ मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा फ़ोटो का लेयर है उसका जितना लेंथ है मैं उतना ही रखूँगा, तो इतना आप भी रख लेना लेंथ। और इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जूम वाला इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जूम पे चलते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे आपको जूम इन वाला इफेक्ट लगाना है, जूम इन वाला, तो यही वाला इफेक्ट आप भी लगाना। और इसी तरह हम चैट वाले लेयर पे भी जाते हैं और इस पे जूम वाला इफेक्ट लगाते हैं। तो इस पे यहाँ पे मैं जूम आउट वाला इफेक्ट लगा रहा हूँ, तो आप भी यही वाला यूज़ करना। हमारी वीडियो जो है कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है, तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। वीडियो आपने देख ली, काफ़ी अच्छे से वीडियो एडिट हो चुकी है। मैं यहाँ पे पूरा म्यूज़िक आपको नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड ये जो ग्रीन वाला आइकन दिख रहा है ये आपका ऑफ होगा, तो इसको आपको ऑन करना है एंड यहाँ से इसको डन कर दे, कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है एंड आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर से बताना, मैं इसी तरह से एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।